अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ड्रीम किचन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू का पराठा। चलिए बना लेते हैं आलू का पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे उसका। तो ये मैंने एक बड़ी कटोरी से आटा ले लिया है। तो ये गेहूं का आटा है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम हथेली पे इस तरह से मसल लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें नमक और डाल देंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें। ये 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद लेंगे। तो हमें ऐसा ही गूंदना है जिस तरह हम रोटी और पराठे का गूंदते हैं ना, बस उसी तरह का आटा गूंदना है हमें। तो ये हमारा आटा गूंद गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा कर फिर हम इसे छोड़ देंगे। अब हमने इसको साइड पे रख दिया। अब जब तक हम हमारा स्टफिंग बना लेंगे। तो ये मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, उसको ग्रेट करके ले लिया है मैंने। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और ये मैंने आधा चम्मच धनिया लिए कुटी हुई, आधा चम्मच जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्चें और ये आधा चम्मच ही मैंने अमचूर पाउडर लिया है और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है। सब आधा आधा चम्मच ली हैं, हल्दी थोड़ी सी ली है और 2-3 हरी मिर्चें काट के ले लिए। सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है बारीक कटा हुआ, इसको भी डाल देंगे हम। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को इसमें। ये देखिए अच्छे से सब मिक्स हो गया है। और ये मैंने इसके गोल गोल वड़े जैसे बनाकर रख लिए हैं आलू के। अब हम आटे से पेड़े बना लेंगे। ये सूखा आटा लगाकर हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो जितनी बड़ी हमारी पराठे की लोई बनती है हम उतनी बड़ी ले लेंगे इसे। ये इस तरह की लोई बना लेंगे हम इसकी। अब हम हमारा पराठा बेल लेंगे। तो खुश्की लगाकर हम सूखा आटा लगाकर अच्छे से फिर इसको बेल लेंगे हम। हम इसे थोड़ा सा ही बेलेंगे पूरी के बराबर। फिर हमने ये जो आलू का वड़ा बना कर रखा है ना, इसको इसके अंदर स्टफ कर देंगे और बाहर से पूरा इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे। वापस से इसकी लोई बना लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से बन गई है। अब हम इसे दबाकर इस तरह से सारे में स्टफिंग कर लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे सेंक लेंगे। ये हमारा तवा गर्म हो गया, अब हम इसे सेंक लेंगे। तो हम इसे डाल देंगे, थोड़ा हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसकी साइड पलट देंगे। तो ये देखिए हल्का सा सिक गया इस तरफ से, तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी। अब हम दूसरी तरफ से भी इस तरह से ही सेक लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा, तब तक हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना, एकदम गोल्डन हो गया है ना हमारा पराठा। दोनों तरफ से हम इसी तरह का कर लेंगे, सेक लेंगे अच्छा गोल्डन। तो ये
देखिए हमारा पराठा सीख तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम सारे सीख लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं। तो ये देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए। हमने इस पे थोड़ा सा बटर डाल लिया।